हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टीवी में। आज के दिन बात करने वाले, अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई किए हैं साल फॉर्म को, इस साल आपके पास इस प्रकार से मैसेज आपके पास आ गया होगा। अब बच्चे काफी घबरा रहे हैं कि क्या करें सर, रिन्यूअल करें कि नहीं करें, क्योंकि सर हमको पिछले साल पेमेंट नहीं मिला। हम प्रगति स्कॉलरशिप के हैं, हम ईशानुदय स्कॉलरशिप के हैं, हम सैंडे सेक्टर स्कॉलरशिप के हैं, हम सर अप्लाई करें कि नहीं करें, आप दुविधा दूर कीजिए, आप कन्फ्यूजन दूर कीजिए सर। तो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए वीडियो, और किसके पास ये मैसेज आया, किनको रिन्यूअल करना है, किनको रिन्यूअल नहीं करना चाहिए, रिन्यूअल आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रीवियस पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, रिन्यूअल में पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहता है, इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट एंड देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये मैसेज जो आया है आप देख लीजिए, मैसेज यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे कल परसों बहुत दिन से आ ही रहा है। ठीक है, आते जा रहा है। ठीक है, बच्चों का मैसेज, बच्चे का ही बोल रहे सर आपको 2021-22 का टोकन नंबर मिल चुका है, सेंड फॉर पीएफएस हो चुका है, पीएफएस रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, लेकिन 2-3 महीने हो चुके हैं सर, लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया है सर। इस स्थिति में सर रिन्यूअल का मैसेज भी आ चुका है, तो सर मैं रिन्यूअल करूं कि नहीं करूं बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना रिन्यूअल 2022 पे लॉगिन करना है। अगर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाता है, फॉर्म खुल जाता है, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे कर लीजिए। अगर आपने कॉलेज की फीस जमा करा दी है, अगर आपके बोनिफाइड वगैरह में साइन वगैरह डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा हो चुके हैं, कर दो, फाइल सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एनएसपी ने कहीं भी इस नियम में नहीं लिखा है अगर आपका पिछला पेमेंट नहीं आएगा तो आप इस साल रिन्यूअल नहीं कर सकते। एनएसपी में जरूरी बात बोला है, अगर आपका मैडम सिलेक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में अटक गया, तो आप रिन्यूअल नहीं कर सकते। जब फॉर्म लॉगिन करेंगे तो बताएंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल, ऐसे बता दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म खुल रहा है, दिस मीन्स एनएसपी आपको बोल रही है आप रिन्यूअल कीजिए, आपको इस साल पैसा मिलेगा। और रिन्यूअल प्रोसीजर क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। रिन्यूअल प्रोसीजर रहता है कि आपको 100% पैसा मिलेगा। जी हाँ, रिन्यूअल में कोई भी मैरिट सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चे फ्रेश एप्लीकेशन भर के हैं, जिनका मैरिट सिलेक्शन हुआ था लेकिन 2022 में रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो उनका मैरिट सिलेक्शन नहीं होगा, उनका फॉर्म जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन वेरीफाई आधार होगा, इंस्टी वेरिफिकेशन होगा, डुप्लीकेट वाला सिस्टम यस या नो होगा, उसके बाद सेंड फॉर पीएफएस हो जाएगा, मेल इसमें कोई रोल नहीं होता, इसमें 100% बच्चों को पैसा मिलता है। जी आपको बता दूं मैं, ठीक है, बस फॉर्म को ध्यान रहे, फॉर्म में गलती नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट बताया किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है। अगर आपने इंस्टीट्यूट चेंज किया तो इंस्टीट्यूट क्या चेंज करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, जाके उसको देख लीजिए, बिल्कुल आपको प्रॉपर ढंग समझ में आ गया। चाहे ईशानुदय स्कॉलरशिप का हो, चाहे सैंड सर्विस स्कीम का हो, चाहे प्रगति स्कॉलरशिप का क्यों ना हो, आप रिन्यूअल कर सकते हैं। भले आपको टोकन मिल गया हो, भले आपका मेडिकल सिलेक्शन यस हो गया हो, लेकिन आप रिन्यूअल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्रेंड, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको रिन्यूअल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर रिन्यूअल नहीं होगा तो आपका ऐसे बोल दिया जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अगर आपके 3 साल ग्रेजुएशन में थे, 3 साल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 साल पीजी में लगा सकते हैं, एमए एमकॉर एमबीए वगैरह में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपडेट कोर्स में जाना है, अपडेट कोर्स में इंस्टीट्यूट और कोर्स को चेंज कर लेना है, उसके बाद आपको रिन्यूअल का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा, पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।